तो मिरर फॉर्मूला के अंदर पहला पॉइंट है, जैसे लेंस के अंदर हम डायग्राम, ये चार्ट बनाया था मैंने, ऐसे मिरर के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि आपके पास अगर एक मिरर है, कनकेव या कन्वेक्स मिरर है, कनकेव के अंदर हम दो इमेजेस स्टडी करेंगे, रियल एंड वर्चुअल, और ऐसी कन्वेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल। लेंस से बिल्कुल उल्टा काम है, लेंस के अंदर जो कन्वेक्स लेंस है उसमें बनती थी रियल या वर्चुअल, और कनकेव में क्या बनती थी? वर्चुअल। इसमें कनकेव में दोनों बनती हैं और रियल में एक बनती है, और रियल बनती नहीं है, रादर कन्वेक्स में क्या बनती है? इसमें वर्चुअल। रीजन, क्योंकि कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग डिवाइसेस कभी भी रियल इमेज नहीं बनाते, चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है। कन्वर्जिंग तो कन्वर्ज करेगा रियल में, लेकिन डाइवर्जिंग कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक तो हम स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। तो ये मान लो आपके पास एक कनकेव मिरर है, ये रहा कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर के यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे बिल्कुल सीधी गई और फोकस से पास होती हुई यहां पे आई, एक पी पे पास होके यहां से यहां आई, और एक सेंटर से पास होके, सेंटर नॉर्मल होता है, जैसे गई वैसे की वैसी आई। जहां ये तीनों की तीनों मिली वहां पर क्या बनी? इमेज बनी। तो इमेज यहां पर छोटी बन रही है। आपको डायग्राम ऐसे नहीं बनाना, आपको डायग्राम ऐसे बनाना है, ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है और ये आपके सामने एक छोटी इमेज है। पहली बना लेनी है इमेज छोटी। तो एक रे कैसी जाएगी? एक रे जो है वो सीधी जाएगी, सीधी होती हुई यहां से पास होती हुई यहां पे आ जाएगी, एक रे पोल पे हिट करेगी, पोल पे हिट करती हुई यहां से यहां जाएगी, और एक रे सेंटर, ये देखो, नॉर्मल हिट करेगी, तो जैसी जाएगी वैसी की वैसी आएगी। ये इसकी इमेज है, सेम डायग्राम बन गया, चेक करो। तो डायग्राम बनाने का तरीका क्लियर है, सीधा बनाएंगे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सीधा ही उल्टा बनाएं कि पहले ऑब्जेक्ट लें और उसकी इमेज लें, और इमेज जो बनेगी वो इम्पॉर्टेंट है। इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी, ये एफ की वैल्यू है, ये फोकल लेंथ है, ये पोल है, और ये क्या है? ये सेंटर में से पास होता हुआ नॉर्मल है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर के बियॉन्ड रखा, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऑन द लेफ्ट साइड रखा। तो इमेज कहाँ पे बन रही है? सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, और छोटी इमेज बन रही है। ठीक है, यहां तक तो ध्यान रखा जाए इस बात का। ठीक, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है सबको यहां तक? तो ये पॉइंट सबको याद रखना है इसमें। तो इसके अंदर नाम वैसे रखने हैं, ए बी ए डैश बी डैश बी सी एफ पी ऐसे। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? ट्राइंगल्स वैसी लेने हैं, जैसे पहला ट्राइंगल लेना है ए बी और सी, पहला ट्राइंगल ए बी और सी, दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी, हाइट डिवाइडेड बाय हाइट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय बेस, ये रहा। नेक्स्ट है ए पी बी ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ये छोटा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, हाइट बाय हाइट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय बेस कर लेना। तो आपके पास ये रेशियोज आ जाएंगी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम है। तो राइट हैंड साइड सेम है, लेकिन डिस्टेंसेस कहाँ से लिए जाते हैं? पोल से। ये डिस्टेंस कहाँ से है? सेंटर से। तो जो सी बी डिस्टेंसेस को लिखा जाएगा बी पी माइनस सी पी, और सी बी डैश को लिखा जाएगा सी पी माइनस बी डैश पी। तो सारे डिस्टेंसेस पोल से आ गए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी है माइनस यू, इमेज की दूरी है माइनस वी, तो इसके अंदर रियल इमेज ऑन द सेम साइड बनती है, जबकि लेंस में रियल इमेज ऑन द ऑपोजिट साइड बनती है। तो इसके अंदर ऑन द सेम साइड बनती है यू एंड वी, और फोकल लेंथ कनकेव की वैसी नेगेटिव है। तो आप तीनों साइन कन्वेंशन यहां पुट करेंगे, यू वी और आर पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आएगी, यू वी आर से डिवाइड करके ये टर्म आएगी, और आर रेडियस क्या होता है? 2 टाइम फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला आ जाएगा, कुछ नहीं करना, सिमिलैरिटी से जैसे हम लेंस करते हैं वैसे मिरर हो जाएगा। आपने 10th में किया भी होगा ऐसा कुछ। ऐसी जो सेकेंड केस है वो है वर्चुअल इमेज। जो वर्चुअल इमेज है उसमें क्या ट्रिक है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट है कहाँ रखा जा रहा है? फोकस और पोल के बीच में रखा जा रहा है, फोकस और पोल के बीच में है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधी गई, फोकस में से पास हो रही है, एक पोल में से हो रही है, और एक सेंटर में से हो रही है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? इसमें डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करना है आपने, ये रहा मिरर, तो ये रहा आपका फोकल लेंथ, और ये रहा पोल। तो आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां ड्रॉ करना है,
और आपको मालूम है कि इसकी इमेज राइट साइड पे ही बनने वाली है, तो वर्चुअल इमेज बनेगी और ऑन दी राइट साइड बनेगी, ठीक है। फिर आपने इसमें क्या करना है, इसमें डायग्राम बनाने का तरीका देखो, एक रे पोल में से पास होके इधर से जाएगी, जब वो इधर से जाएगी वो ऐसे जाएगी, डॉटेड लाइन ऐसे, ये देखो देख रहे हो, ऐसे गई और डॉटेड लाइन यहाँ ड्रॉ हो गई, एक सीधी जाएगी, सीधी क्रॉस होके फोकस में से जाएगी, ये डॉटेड कर दो और ये फोकस में से निकाल दो, और एक रे जो जाएगी वो सेंटर में से जाएगी, ये रही सेंटर वाली रे, ये देखो सच दैट रे गई और वापस आ गई और ये डॉटेड लाइन इसकी इमेज बन गई। तो ड्रॉ करने का तरीका समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ड्रॉ करने का तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे बनना है, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगी, फिर लाइंस ड्रॉ करनी है, क्लियर है यहां तक? ऐसे रे डायग्राम बनाओगे तो मुश्किल होगा, आपको घर से पता ही होगा, उसने वर्चुअल का केस दिया है तो पता ही है कि वर्चुअल का केस में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा ऑन द ऑपोजिट साइड है, जबकि लेंस में, लेंस के अंदर क्या होता था, रियल इमेज ऑन द ऑपोजिट साइड होती है, इसमें वर्चुअल ऑन द ऑपोजिट साइड है, उल्टा चल रहा है लेंस से सारा काम। इसके अंदर यू क्या है, नेगेटिव, वी क्या है, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ कंकेव की वैसी नेगेटिव है, तो ट्राइंगल वही लेने हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, हाइट बाई हाइट इज बेस बाई बेस, ऐसी दूसरा ट्राइंगल ए बी पी और नेक्स्ट ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, हाइट बाई हाइट इज बेस बाई बेस, सेम ओल्ड स्टोरी है, बस इसमें ये वैल्यू पुट करनी है कि पी बी माइनस यू है, पी बी डैश प्लस वी है, और फोकल लेंथ तो है ही इसमें नेगेटिव, तो सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आपका आंसर तो वही आएगा जो आना है। तो उसी तरीके से जो नेक्स्ट केस है, मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में आप जहां मर्जी ऑब्जेक्ट को रख लें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग ने रियल इमेज तो बनानी नहीं है, वर्चुअल ही बनानी है, रे सीधी जाएगी फोकस में से पास हुई, रे आई पोल में से पास हुई, सेंटर जो है ये सेंटर है, नॉर्मल सेंटर से पास होगा, ये इमेज है। फर्क यह है कि जो कनकेव ने वर्चुअल बनाई थी वो बड़ी बनाई थी, कन्वेक्स ने हमेशा छोटी ही बनानी है। कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बड़ी छोटी दोनों बन सकती है वैसे बताऊं मैं आपको, लेकिन इसके अंदर कन्वेक्स के अंदर वर्चुअल हमेशा छोटी ही बनेगी, बड़ी कभी नहीं बनेगी, ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर याद करने का तरीका क्या है बता देता हूं, याद करने का बेस्ट तरीका यही है, देखो कनकेव के अंदर तो बहुत ही क्लियर है, सॉरी जो अभी हमने किया कन्वेक्स के अंदर तो बहुत ही क्लियर है, कन्वेक्स इसमें डाइवर्जिंग है, इमेज छोटी ही बननी है, बात ही खत्म है। प्रॉब्लम कनकेव में है, कनकेव मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट ओ के बियॉन्ड पड़ा हुआ है, लेफ्ट पड़ा हुआ है, तो आपकी इमेज कहां पर बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में, जिसका डायग्राम हमने आज ड्रॉ किया। तो याद रखना, अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर है सेंटर से तो इमेज कहां बनेगी, छोटी बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। अगर आप ऑब्जेक्ट को पास ले आए, कहां पर ले आए, अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर के ऊपर ले आए, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पर ले आए, सेंटर के ऊपर ले आए, तो इमेज भी सेंटर के ऊपर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी। इंपॉर्टेंट है, जब आप दूर रखते हैं सेंटर से लेफ्ट की तरफ बियॉन्ड, तो इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बनती है और छोटी बनती है। आप अगर सेंटर के ऊपर लेके आते हैं तो सेम साइज की बनती है, उल्टी बनती है। अब नेक्स्ट केस में अगर आप सेंटर के और क्रॉस करते हैं, सेंटर से और राइट ले जाते हैं, आपकी इमेज रियल बनती है लेकिन सेंटर के बियॉन्ड बननी स्टार्ट हो जाती है और बड़ी हो जाती है, ये बड़ी भी होगी। और अगर आप फोकस के ऊपर लेके आते हैं फिर तो यार केस ही क्लियर है, इन्फिनिटी है। और अगर फोकस और पोल के बीच में लेके आते हैं फिर तो वर्चुअल है। मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके, ये सेंटर है, आप सेंटर के यहाँ पे हैं, आपकी इमेज जो है वो सेंटर फोकस के बीच में छोटी बनेगी। पास लेके आ रही है, सेंटर पे ले आए, सेंटर पे एग्जैक्टली सेम बनेगी, और पास लेके आए तो बड़ी बनेगी, और पास लेके आए तो वर्चुअली बन जाएगी, बात ही खत्म, ठीक है। तो ये केसेस आपने माइंड में रखने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से।